हे दोस्तों, आप सभी फिल्में देखने के लिए मल्टीप्लेक्स जरूर जाते हैं। बड़े शहरों और मेट्रो सिटी में तो सभी लोग पीवीआर सिनेमा में फिल्म देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप पीवीआर सिनेमा का पूरा नाम जानते हैं? क्या आपको पता है पीवीआर कंपनी की स्थापना कैसे हुई? दोस्तों, पीवीआर कंपनी की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पीवीआर की स्थापना अजय बिजली ने सन जून 1997 में की थी। इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। पीवीआर के 170 से ज़्यादा सिटी में 800 से ज़्यादा सिनेमा इनके पास है। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर इसकी रिवेन्यू की बात करें तो 2018-19 में इसकी रिवेन्यू 31 बिलियन यानी तकरीबन 3100 करोड़ से ज़्यादा थी, जो कि 17-18 से 32% ज़्यादा था। तो ये जानते हैं इस कंपनी की पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक आज्ञाकारी बेटे की तरह अजय बिजली ने अपने पिता का बिजनेस अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी 22 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। यह 1988 की बात है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ और ही करना है, और इस कुछ और की तलाश में करीब 12 साल गुजर गए। 1990 में जब अजय की शादी हुई तो पिता से हिम्मत करके उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अलग करना है, लेकिन अभी भी सवाल वही था कि क्या करना है। इसी दौरान अजय ने अपने पिता के दिल्ली स्थित प्रिया सिनेमा को देखना शुरू किया था। इसे उनके पिता ने 1978 में खरीदा था। यह प्रॉपर्टी अपनी चमक खो चुकी थी। अजय ने तय किया कि वे इसमें नई जान फूकेंगे। यहीं से उनका सिनेमा बिजनेस से लगाव शुरू हुआ। थोड़े ही वक्त में अजय ने प्रिया सिनेमा को एकदम बदल दिया। 1992 में जब अजय के पिता नहीं रहे तब उन्हें सिनेमा के साथ ट्रांसपोर्ट भी संभालना पड़ा। लेकिन अभी बुरा दौर खत्म नहीं हुआ था। एक भयानक आग में ट्रांसपोर्ट बिजनेस तबाह हो गया और परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया। अजय ने तय किया कि वे भारत में मल्टीप्लेक्स शुरू करेंगे। एक विदेशी वितरक से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी विलेज रोड शो भारत आने के लिए इच्छुक है। अजय ने तुरंत इस कंपनी के एमडी से बात की और मामला जम गया और इस जॉइंट वेंचर का नाम पड़ा प्रिया विलेज रोड शो, यानी कि पीवीआर। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पीवीआर की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, दिल्ली के अनुपम सिनेमा को लीज पर लिया और भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का 1997 में जन्म हुआ, जिसमें 4 स्क्रीन थी। नाम था पीवीआर अनुपम। लेकिन 11 सितंबर को अमेरिका पे हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया का माहौल बदल गया और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने पीवीआर से अपने हाथ पीछे खींच लिए। बुरे दौर में कंपनी ने बाजार से 40 करोड़ रुपए जुटाए और कंपनी का पूरा हक हासिल कर लिया। कंपनी फंड जुटाती रही और विस्तार करती रही। माहौल समझते हुए फिल्म प्रोडक्शन में काम शुरू किया और कई हिट फिल्में भी दी। फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई तो मल्टीप्लेक्स की कमाई सहारा बनी। सफलता के नए आयाम पर कंपनी तब पहुंची जब 2012 में 530 करोड़ में सिनेमैक्स को खरीदकर यह देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चैन बन गई। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करके हमें बताना कि आगे आप और किस कंपनी की केस स्टडी चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।